बस जिसका डर था वही होना शुरू हो गया। बात अफगानिस्तान की कर रही है। अब आतंकी देश की सत्ता में बैठेंगे तो आतंकी हमले तो होंगे ही। अफगानिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई। दरअसल अफगानिस्तान के कंधार शहर में शुक्रवार को एक बहुत बड़ा हमला हुआ। ये हमला कंधार की सबसे बड़ी शिया मस्जिद में हुआ है। ये बम धमाका इतना तेज था कि दूर दराज तक लोगों ने इसकी आवाज को सुना। खबर मिल रही है कि अब तक 16 लोगों की इस बम धमाके में मौत हुई है। लगभग 35 लोगों के घायल होने की खबर है। मौत का आंकड़ा आने वाले वक्त में बढ़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से जारी की है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि ये मस्जिद बीबी फातिमा मस्जिद और इमाम बारगाह के नाम से जानी जाती है। आतंकियों ने शुक्रवार की नमाज के दौरान इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। बम धमाकों के पीछे का कारण क्या रहा ये भी फिलहाल साफ नहीं है। हालातों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये एक आत्मघाती हमला हो सकता है। फिलहाल इसको लेकर जांच की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर 13 अगस्त को ही कब्जा किया था। हमले के पीछे ISISK यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान को जिम्मेदार माना जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले भी शुक्रवार को नमाज के दौरान उत्तरी शहर कुंदूर की एक मस्जिद पर हमला हुआ था। इसमें लगभग 50 लोगों के मारे जाने की खबर थी। इस हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली थी। ये अगस्त में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद हुआ सबसे बड़ा हमला था। और लीजिए अब एक और हमले से तालिबान शासित अफगानिस्तान दहल गया है। कहा जाता है इस्लामिक स्टेट तालिबान का कट्टर दुश्मन है। यही वजह है कि वो बार बार अफगानिस्तान को निशाना बना रहा है। खैर अब देखना होगा इस बम हमले की जिम्मेदारी कौन लेता है। जो भी अपडेट इस मामले पर आएगा आप तक पहुंचाते रहेंगे।